प्रणाम माँ, कैसी आप? मैं ठीक हूँ। हाँ, बॉर्डर पे हूँ माँ, चौकी पे। थोड़ी गोलाबारी हो रही है यहाँ पे। आपकी तबीयत कैसी है? भाऊजी कैसे हैं? और मेरी मुन्नी? माँ क्या हुआ, बहुत उदास लग रही हो आप। माँ क्या हुआ? माँ तेरे बाबूजी बहुत दुखी हैं। जो हमारे पास थोड़ी सी जमीन थी उस पर ठाकुर जी ने कब्जा कर लिया। उसमें जो थोड़ी सी सब्जी हो जाती वो भी हाथ से चली गई बेटा। तो बॉर्डर पे जिन लोगों की रक्षा कर रहा है वही लोग तेरे घर को खा रहे हैं बेटा, वही लोग तेरे घर को खा रहे हैं। छोड़ दे ये नौकरी बेटा, घर वापिस आ जा। नहीं माँ, ये मिट्टी भी मेरी माँ है, ये देश मेरा घर है। तो क्या हुआ अगर थोड़ी सी जमीन चली गई तो क्या मैं अपने देश की रक्षा करनी छोड़ दूँ? मैंने अगर इसकी रक्षा नहीं की तो मैं पूत नहीं कपूत कहलाऊंगा। तुम देख लेना माँ, इन लोगों को एक दिन जरूर अफसोस होगा, इनको अपनी गलती का एहसास होगा माँ, कि हम लोग बॉर्डर पे किन के लिए गोली खाते हैं, किसके लिए मरते हैं, रात दिन भूखे रहते हैं। माँ तू अपना दिल छोटा मत कर, मैं जल्दी आऊंगा, तू बापू का और शीला का ख्याल रखना, मेरी तरफ से मुन्नी को बहुत सारा प्यार देना माँ। मैं जल्दी आऊंगा माँ, मैं जल्दी आऊंगा। माँ तू रो मत, माँ वही दिन आया है। सुली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बोला।